यस सर। अब आपको ये नजर आ रहा है, ईसीजी की स्लाइड मैंने शेयर की है यस सर। अभी यस सर। इसको। ठीक है। अच्छा, इसके एंड में ना तो थोड़ा सा रुक जाए, अजान हो जाए, फिर बात करता हूँ। सर आज का से छोटा ही लेक्चर होती है। ओके जी, अब आप लोग चैट में मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको म्यूट किया है, तो इफ समबडी वांट्स टू आस्क मी अ क्वेश्चन तो आप उसमें मुझे इंडिकेट करोगे तो मैं आपका वो माइक खोल दूंगा। ठीक है। अच्छा, मेरी फर्स्ट टाइम है ये, मैं क्लास ले रहा हूँ जूम पे। इससे पहले जी जी बेटा, मैं साथ साथ कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने यूट्यूब पे ही लिया है सारे मामला, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपसे डायरेक्ट ये पावर पॉइंट पे ही बात हो। मेरा ये भी बेहतर चीज़ है इंशाल्लाह। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट व्हिच इज बेटर। ठीक है। तो तहरीन, आपको आवाज़ आ रही है बेटे? बच्चों को मैं शुरू करूं, क्योंकि मैं एक्चुअली ये सारा कुछ नया है ना, तो आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को आवाज़ आवाज़ आ रही है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है आप लोगों को या नहीं, जरा तो मुझे पहले क्लैरिफाई कर दो। ओके, ग्रेट, फाइन, आई कैन सी दैट, फाइन। अच्छा, और इन केस आपको अटेंडेंस का है मामला, तो अटेंडेंस तहरीन ही कंडक्ट करेगी ऑन द चैट। ओके, ये मैंने कंसल्ट किया था अपने कॉलिग को, तो वो कह रहे थे कि चैट पे ही अटेंडेंस आप ले लें और वो सेफ भी अपेरेंटली हो जाती है। तो आई विल नीड सेफ चैट, बिल्कुल ये ऑप्शन मौजूद है, शी वॉज राइट। ऑलराइट, तो ऑप्शंस किधर गए? सो हमने आज बेसिकली सिर्फ यही एक स्लाइड ये डिस्कस करनी है, यही नॉर्मल ईसीजी है, यही हमने डिस्कस करना है। ठीक है। और ईसीजी से आपका पारा क्लिनिकल साइड पे पड़ेगा। ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, वेल वर्स होना चाहिए। ठीक है। तो हमने कार्डिक साइकिल, जैसे आपको याद है, हमने कर लिया था, और कार्डिक साइकिल में हमने बात की थी कि एट्रिया डीपोलराइज होते हैं, और फिर एवी डिले, एवी नोड पर डिले के बाद वेंट्रिकल्स डीपोलराइज होते हैं, और फिर इन दोनों डीपोलराइजेशन के साथ साथ ही एट्रिया जब डीपोलराइज होता है तो उसके बाद थोड़ी देर बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जो वेंट्रिकल डीपोलराइज है थोड़ी देर के बाद वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है। और इन दोनों इवेंट्स के बाद, यानी एट्रिया जब डीपोलराइज होगा तो ऑब्वियसली, अच्छा, हमको लेट इन कहाँ से करना है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बेटे सारे एक टाइम पे नहीं आ सकते, 120 पे आप एंटर हो रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? 1:20 पे आपने क्या एंटर होके कर लेना है? आप पहले ऑलरेडी क्लास लेट है। ठीक है। अब मैं अभी फिलहाल और एडमिट नहीं करूंगा, आई डोंट वांट टू बी डिस्ट्रैक्टेड। ये मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, वो बाद में फिर खुद देख लेना। ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू कम्प्लीट ईसीजी टूडे। तो जैसे आपसे कह रहा था कि जो इलेक्ट्रिकल इवेंट ऑफ डीपोलराइजेशन है, उसके थोड़ी देर के बाद फिर वो फिजिकल इवेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये बात हमने कर ली है। और कॉन्ट्रैक्शन जब हो चुकी भी होती है, उतनी देर में एक दूसरा इलेक्ट्रिकल इवेंट आ जाता है जिसको रीपोलराइजेशन कहते हैं, और रीपोलराइजेशन जो होती है उसके बाद और उसके साथ ही रादर वो जो मसल है वो रिलैक्स कर जाता है। ठीक है। अब ईसीजी क्या चीज है? ईसीजी इस डीपोलराइजेशन और इस रीपोलराइजेशन को वो करता है, दिखाता है आपको इस फॉर्म में। ये जो ये वाली फॉर्म है ना, ये इलेक्ट्रिकल मॉनिटर होता है ईसीजी, वो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स को मॉनिटर करता है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। अब इसमें बेटे क्या क्या है? इसमें पी वेव है, ये देखो पी वेव,
ये आपको मेरा ये जो रेड बटन सा है ये नजर आ रहा है मूव होता हुआ? ये रेड, ये ओके ओके थैंक यू। सो ये पी वेव है बेटे, ठीक है, पी वेव हो गई। उसके बाद एक आइसो इलेक्ट्रिक मिसबार डेट है, कमाल हो गया। चलो, पी वेव के बाद एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, एक फ्लैट लाइन है, ठीक है, वो ये है जहां मेरा कर्सर है, ठीक है। उसके बाद जनाबी अली एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। पी के बाद आइसो इलेक्ट्रिक लाइन आती है, फिर एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसके बाद फिर से लाइन फ्लैट होती है, और जिसके बाद आखिरी जो इसका कंपोनेंट है वो है टी वेव, जैसे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहां तक ठीक है। ये वो उसकी वेव्स हैं, नॉर्मल वेव्स हैं एक नॉर्मल ईसीजी, ठीक है। अच्छा, अब कौन सी वेव के पीछे क्या चीज छुपी हुई है? पी वेव के पीछे एट्रियल डीपोलराइजेशन, और यहां देखिए नाम भी लिखा हुआ है, एट्रिया डीपोलराइज होते हैं बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन के लिए ही हम डीपोलराइज करवा रहे हैं, ठीक है। सो पी वेव इज ड्यू टू एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है जब वेंट्रिकल्स डीपोलराइज करते हैं, ठीक है। तो ये जो अजीब सी वेव है क्यू आर एस, ये वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन की वजह से बनती है, और उसके थोड़ी देर बाद ये जो टी वेव है ये वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन की वजह से बन जाती है। यहां तक ठीक है? वॉइस नहीं आ रही है? यहां तो आ रही है बेटे, मैं पूरा यहां पे शो क्लियरली शो हो रहा है। निम्रा, यू नीड टू चेक योर सिस्टम, ठीक है। बस ठीक है, वो निम्रा का मसला होगा बेचारी का, वो उसको कहो कि वो ठीक है, उसको देखो। अच्छा जी, ये जो मैंने आपको तीन चीजें अभी बताई हैं ये क्लियर हैं? पी वेव, क्यू आर एस और टी वेव, ये तीन चीजें ठीक हैं, ये समझ में आनी चाहिए, ये पता याद होना चाहिए, और ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ओके। अब एक सवाल ये उठता है कि पी वेव इज एट्रियल डीपोलराइजेशन, तो वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन दोनों शो हो रही हैं, लेकिन एट्रिया की रीपोलराइजेशन शो नहीं हो रही, ये सवाल है ना? बनता है सवाल? बेटा जी अटेंडेंस को की जान छोड़ दो, 2 मिनट के लिए पहले पढ़ लो, अटेंडेंस लग जाएगी। 60 बच्चे आज आ गए हैं, मुझे पता है आज बच्चे आ गए हैं, और सारा जहीर हैज फाउंडली फाइनली वोकन अप एंड शी इज जॉइंड। वेलकम सारा बेटे, आई हैव नो आइडिया इतने बच्चे अचानक कहां से आ गए। सो यू गाइस लाइक जूम, जूम आपको ज्यादा अच्छा लगता है। चलो ओके, सो पी वेव जो एट्रियल डीपोलराइजेशन वेव है, तो इसकी रीपोलराइजेशन किधर होती है, कि वेव किधर है? तो उसका जवाब बेटा जी ये है कि इसकी रीपोलराइजेशन इधर कहीं होती है, ये जो ये नजर आ रहा है कर्सर मेरा, इधर कहीं होती है, लेकिन मसला ये है कि उसके वो जब हो रही होती है ना, जब हो रही होती है निम्रा बेटे, इसको वही बात है, मैं YouTube पे मेरा बच्चा डाल दूंगा, आप उसको दोबारा से देख लेना, कोई इशू नहीं। सवाल भी अगर आपके हों तो आप YouTube के जो वीडियो की जगह है वहां पे नीचे आप सवाल भेज देना, आप परेशान मत। अच्छा जी, तो एट्रियल रीपोलराइजेशन, सुमेरा सुमैया ऑल्सो हैज ज्वाइंट नाउ, आई हैव नो आइडिया वो बेचारी कितना पढ़ लेगी। तो एट्रियल रीपोलराइजेशन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के अंदर दब जाती है, के पीछे दब जाती है। आप समझे, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जब बनता है, यानी वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं ना साइज में, तो जब वो डीपोलराइज होते हैं तो वो आप समझो कि वो एक तहलका मच जाता है पूरे हार्ट में, इलेक्ट्रिकली तहलका मच जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं, बड़ा स्ट्रक्चर है, तो जब बड़ा स्ट्रक्चर डीपोलराइज होता है तो उससे बड़ी ढेर सारी वेव्स बनती हैं। तो उन वेव्स में जो एट्रियल रीपोलराइजेशन की वेव थी बेचारी छोटी सी, वो कहीं दब दुब जाती है यहाँ। तो अगर आप क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को थियोरेटिकली स्पीकिंग ऐसी बात कर रहे हैं, अगर आप यहां से हटा दें तो फिर आपको यहाँ पे एक डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन नजर आएगी, जो कि
एट्रियल रीपोलराइजेशन की हो, ठीक है। नॉर्मल ईसीजी में एट्रियल रीपोलराइजेशन नजर नहीं आती, यहां तक ठीक है। सवाल कर लो बेटे मुझसे, पूछ लो सवाल जो भी सवाल पूछने हैं, अगर यहां तक जो लेक्चर है। ठीक है, ओके, और अगर और कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं दो चीजें आपको बता देता हूं। एक है पी आर इंटरवल, पी आर, अगर आर का यहां तक लाइन खींच दें तकरीबन, आप समझ लो पी क्यू भी कह सकते हो, पी आर भी कह सकते हो, जो ये इंटरवल है ना जिसको इसने लिखा हुआ है पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल, इसे पी वेव पूरी आ जाती है और ये जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है ये भी आ जाती है, ठीक है। इसे कहते हैं बेटे पी आर इंटरवल, जैसे इसने लेबल किया हुआ, राइट। ये जो पी आर इंटरवल है, मैं इसको थोड़ा सा और भी नुमाया भी कर देता हूं, ये डब्बा नजर आ रहा है, सॉरी मैं पूछ ले रहा हूँ बच्चों की तरह कि मुझे नहीं आइडिया कि आप लोगों को नजर आ रहा है, नहीं फर्स्ट टाइम मिरर, मैंने रिकॉर्डिंग बहुत की हुई है लेकिन लाइव लेक्चर्स के दौरान मैंने इस तरह की बात नहीं की। यू आर माई फर्स्ट क्लास, डब्बा नजर आ गया, वेरी गुड। तो ये डब्बा जो मैंने लगाया है ना, ये है पी आर इंटरवल, ठीक है। अच्छा जी, पी आर इंटरवल की क्या खासियत है? पी आर इंटरवल की खासियत ये है कि ये ना सिर्फ पी वेव यानी एट्रियल डीपोलराइजेशन को इंक्लूड करता है, बल्कि ये वाली जो सेगमेंट है ना, ये जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है, ये इसको भी इंक्लूड करता है, ठीक है। अब ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन क्यों है यहां पे, ये पहले बता चुका हूं, मजा आ जाए किसी बच्चे को याद हो तो। आइसोइलेक्ट्रिक लाइन का मतलब है फ्लैट लाइन, फ्लैट लाइन क्यों है ईसीजी की? कुछ भी नहीं हो रहा इलेक्ट्रिकली, कुछ नहीं हो रहा है सिर्फ ईसीजी में, हाँ जी नहीं हो रहा। शाबर सहर, ए वी नोट क्या बेटे, पूरी बात बताओ। हाँ शाबाश, एक्सेलेंट, चलो शुक्र शुक्र है आप लोगों को याद है, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गुड वेरी गुड। तो क्या होता है कि इस डब्बे, ये जो डब्बा मैंने बना दिया इधर, इसके दौरान ये जो फ्लैट लाइन इसलिए है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज नहीं हो रही हार्ट में, बल्कि कार्डियक इंपल्स अभी एवी नोड से गुजर रही है, ठीक है। तो इस दौरान कार्डियक जो वेव है, इस दौरान कार्डियक वेव एवी नोड से गुजर रही है, और जैसे ही वो वहां से निकलती है, वो धड़ाम से जो है वो वेंट्रिकल्स को डीपोलराइज करती है और वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो पी आर इंटरवल की सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें इट्स, अगर आप याद रखना है तो याद सर से रख लेंगे, इट इज पी वेव यानी एट्रियल डीपोलराइजेशन प्लस एवी नोडल डिले या एवी नोडल पैसेज, कार्डियक इंपल्स पैसेज ऑफ पैसेज थ्रू एवी नोड, इन दोनों चीजों के एडिशन को आप पी आर इंटरवल कहते हैं, ठीक है। ओके, अतिया नजीर हैज जॉइंड अस राइट एट द लास्ट मिनट, चलो ओके, ये बात हो गई। अब इसके बाद जनाबे अली आप ये देखिए, ये क्या चीज है, ये एस टी सेगमेंट इसने लिखा है, और एस टी सेगमेंट एक्चुअली, एस टी सेगमेंट, सॉरी, एस टी सेगमेंट ये, ठीक है, ये एस टी सेगमेंट है। इसमें जो आपने याद रखने वाली चीज है वो ये है कि जब भी हार्ट अटैक होता है, या कार्डिक इस्कीमिया है या कार्डिक इंफॉक्शन है, ठीक है, कार्डिक इस्कीमिया और इंफॉक्शन मैंने पर एक वीडियो में बताया हुआ है, अब मुझे नहीं याद कि मैं एमएलटी के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ या आप लोगों से बात कर रहा हूँ। इस्कीमिया बेटे रिवर्सिबल होता है, इस्कीमिया का मतलब है कि अभी अभी ब्लड फ्लो बंद किया गया है, और इंफॉक्शन का मतलब यह है कि इस्कीमिया इतना लंबा खींच दिया गया है कि वो जो जगह थी जहां ब्लड फ्लो रोका गया वो डेडी हो गया, ठीक है। तो इस फ्लैट लाइन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये बेटे ये फ्लैट लाइन इसलिए है कि आप इधर भी कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऐसा ज्यादा नहीं है, इधर डीपोलराइजेशन हुई है और अभी रीपोलराइजेशन होना चाहती है, तो एक थोड़ी सी फ्लैट लाइन बन जाती है, आप उसको इस तरह से याद कर लें, ठीक है। मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताने लगा था कि मायोकार्डियल इस्कीमिया या इंफॉक्शन सबसे पहले इधर नजर आता है, सबसे पहले एस टी सेगमेंट की ये एक इंपॉर्टेंस है कि एस टी सेगमेंट या तो ऊपर चली जाती है,
या नीचे चली जाती है, यानी हम कहते हैं एसटी सेगमेंट या एलिवेट हो गई है या एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो गई है, ठीक है। इन दोनों सूरतों का मतलब ये है कि गड़बड़ हुई है या इस्कीमिया हुआ है, अभी फ्रेश हुआ है, ज्यादातर फ्रेश इस्कीमिया में ये एलिवेट होगी या ये या डिप्रेस हो जाएगी, ठीक है। ये एसटी सेगमेंट की इंपॉर्टेंस। टी वेव का मैं बता चुका हूँ कि वो एट्रियल रीपोलराइजेशन के लिए होती है। अब यू वेव आप इसको रहने दें, यू वेव बेसिकली एक इनकॉन्स्टेंट फाइंडिंग है, कभी कभार होती है और पपिलरी मसल्स की रीपोलराइजेशन की वजह से होती है। दिस इज नॉट रियली नेसेसरी फॉर यू। उसके बाद ये बेटे एक अच्छी सी एक टेबल है जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वो बता दी गई हैं, ठीक है। इसको भी आप आराम से याद कर सकते हो। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, क्यू टी इंटरवल उसको रहने देना, एस टी सेगमेंट तक पढ़ लेना इसको, ई वेव क्यू आर एस, ई वेव पी आर इंटरवल, एस टी सेगमेंट, ठीक है। और इसमें जो इंटरवल याद रखने वाला है, जो अगर कुछ और ना करो एक चीज को याद रखो तो आपको पी आर इंटरवल की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। पी आर इंटरवल की वैल्यू 0.12, वैसे ये 0.16 के अराउंड होती है एवरेज, लेकिन ये 0.12 भी हो सकती है और ये 0.2 तक जा सकती है, एवरेज ये 0.16 है, ठीक है। तो 0.12 से नीचे और 0.2 से ऊपर एबनॉर्मल हो जाती है, फिर इसमें मसले शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये इसकी एवरेज है, एवरेज आप बस 0.16 अगर याद रख लो तो वो भी ठीक है।